तो मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, गेट 2025 का एग्जाम नजदीक आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। तो आज के सेशन में इसी के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरीके से आप कंसिस्टेंट आपका प्रिपरेशन कर सकते हो एग्जाम तक और आपका जो प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट फर्दर डू। सबसे पहले मैं बात करूँगा क्रिएट स्टडी प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक शेड्यूल बनाना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप शेड्यूल बनाओ जिसमें आप ओवर एग्जैजरेट कर रहे हो, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हो। एक्चुअल एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए, तो लीनियंट शेड्यूल बनाइए। फिर से 4 घंटा पढ़ना है आपको डेली में, 4 से 5 घंटे का शेड्यूल बनाइए। उस भी 4-5 घंटे में आप कितना थ्योरी पढ़ने वाले हो, कितना प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हो, कितना प्रीवियस क्वेश्चन बनाने वाले हो, इसके लिए स्लॉट अलाइन करिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो 5-6 घंटा आप प्रॉपरली प्लान करिए, ठीक है। और ट्राई करिए मॉर्निंग में जब आप पढ़ाई करते हो तो ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई होती हो। ट्राई करिए मॉर्निंग शेड्यूल जरूर रखिए आपके स्टडी प्लान में। तो शेड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, रियलिस्टिक गोल। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं आप ओवर एग्जैजरेट करके रखो, 10-12 घंटा का शेड्यूल बनाओ, वो कभी भी अचीव नहीं हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रियलिस्टिक गोल रखना ताकि वो अचीव। उसके बाद मैं बात करूँगा ऑर्गेनाइज। ऐसा नहीं है कि आप शेड्यूल हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड से बनाओ, बहुत ही सिंपल सा शेड्यूल बनाइए, ऑर्गेनाइज रखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है तो अलार्म आपसे थोड़ा दूर रखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मॉर्निंग सेट अलार्म फोन पे सेट किया और आप जिधर सो रहे हो बेड के बाजू में फ़ोन रखा, सुबह जैसे ही वो बेल बजेगा आप बंद करके जैसे सो जाओगे। तो इसीलिए आपका जो अलार्म क्लॉक है वो भी थोड़ा सा दूर रखे अपने आप से, ताकि जब भी मॉर्निंग अलार्म बजे तो उसको बंद करने के लिए तो आपको उठना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप ये छोटी छोटी जो चीज़ें आप याद रख सकते हो, ऑर्गेनाइज रहिए। जितना ऑर्गेनाइज रहोगे, नोट्स हो गया, आपका जो PDFs अगर आप पढ़ रहे हो तो वो भी ऑर्गेनाइज रखिए। फोल्डर्स बनाइए आपके फ़ोन में, लैपटॉप्स में। रिव्यू रेगुलरली, जो भी आप प्लान बना रहे हो चेक करिए रेगुलर बेसिस पे, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्या अगर मैं 2 घंटे के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अलॉट किया है, क्या 2 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, या बीच में मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रहा हूँ, फेसबुक स्क्रॉल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 4 घंटे प्लान किया है तो उन 4 घंटों में बाकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फ़ोन के ज़्यादा यूज़ मत करिए, ठीक है। लैपटॉप से आप अगर आपके पास तो बेटर, अगर नहीं है तो फ़ोन सिर्फ जो है काम की चीज़ों के लिए यूज़ करिए। अगर आप मुझे क्वेश्चन देखना है या कोई फाइल देखनी है तो आप यूज़ करिए। तो रिव्यू करना है अपने आप को, जो मैंने प्लान बनाया वो प्रॉपर फॉलो हो रहा है नहीं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, भले ही वो मॉक टेस्ट हो, टेस्ट सीरीज हो, जो भी आपने गेट के लिए यूज़ किया है वो ज़रूर आप एक बार देखना मेरा कितने टाइम लग रहा है मॉक टेस्ट में, मेरा स्कोर जो है डेली बेसिस पे इम्प्रूव हो रहा नहीं, सभी ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी एक कंसिस्टेंसी प्रिपरेशन करने में। स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए फ्री कंटेंट गेट के एग्जाम के रिगार्डिंग हमने ऐप के अंदर प्रोवाइड किया है। अगर आपने अभी तक IFS का गेट एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है गेट के लिए, डेफिनेटली डाउनलोड करिए। And you will see इसके अंदर lectures, प्रीक्यूज, exam strategy, mock test हो गया, gate exam की details हो गए, सभी app के अंदर provide किया गया है। So don't miss out, download now, ठीक है। और gate aspirants आप देख सकते हो, अगर आप जो recorded course आपके पास है या आप 6 month का, 12 month का, 12 month का जो courses है वो purchase कर सकते हो, with study material and without study material, जो भी आपको convenient है हिसाब से आप purchase कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, thank you for watching.